वाह, अम्मा ने तो गजब ही पटखनी दे दी। फुर्ती देख रहे हैं अम्मा की। और आप जरा इन पीली साड़ी वाली पहलवान को देखिए, कैसे ताल ठोक रही हैं। देख रहे हैं कि सिर पर पल्ला है, लेकिन हौसले ऐसे, ललकार ऐसी कि अच्छे अच्छे दंग रह जाएं। ये तस्वीरें आला उदल की धरती से, ये तस्वीरें हैं महिलाओं के शौर्य की धरा से। आज भी हमारी औरतें मर्दों से कम थोड़े ही हैं। ये दंगल है महिलाओं का, जहां घूंघट काढ़ कर ये औरतें लड़ती हैं गजब कुश्ती। महिलाओं के इस दंगल में पुरुषों पर बैन है, इसमें सिर्फ गांव की महिलाएं ही रहती हैं। ये महिलाएं रेफरी से लेकर ढोल बजाने तक सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं, और कुश्ती ऐसी लड़ती हैं कि कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। हमीरपुर जिले के लोदीपुर निवादा गांव की ये कुश्ती खूब चर्चा में है। वैसे आपको बता दें कि घूंघट वाली महिलाओं का ये दंगल हर साल आयोजित होता है, जिसमें ये ग्रामीण महिलाएं कुश्ती के दांव पींच जमकर आजमाती हैं। इस कुश्ती का खास इतिहास भी है, सुनिए कि आखिर यहाँ ऐसे क्यों होता है ये दंगल। आला उदल की लड़ाई के बाद यहाँ की कुछ रानियाँ थी, और रानियों ने महिलाओं का साथ में रखकर अपनी शौर्य शक्ति का प्रदर्शन के लिए एक दंगल का प्रोग्राम करा। जब से ये शुरुआत से चला आया है लगातार, और लगातार ये महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन है, और ये अपनी जबजा शक्ति घूंघट के अंदर से ही बाहर प्रदर्शन करने के लिए एक बाजार क्षेत्र है, वहाँ निकलती है, सब एकत्र होती है कजलियों के दिन, और सब भाइयों के राखी बांध के अपने वस्त्रों से सजकर धजकर सब निकलती, मगर घूंघट की ओट के अंदर ही वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करती हैं। यहाँ दंगल मतलब दंगल वो इस तरह लड़ती हैं कि वो ये दिखा देती है कि हम में भी शौर्य शक्ति है, और आज भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह जबजा रखती। वहीं दंगल में नाम भी होता है, लेकिन महिलाएं कहती हैं कि ये दिल मांगे मोर। प्रधान जी हमारे गांव के मिलकर अपने मतलब स्वेच्छा से अपना एक थोड़ा बहुत कलेक्शन करके अपना वो छोटा सा पुरस्कार महिलाओं को दे देते हैं, मगर इस दंगल में राज्य पुरस्कार का मुझे लगता है दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हर नारी के अंदर बहुत बड़ा जबजा, बहुत बड़ा दंगल वो मतलब ये। वहीं ये भी बताया जाता है कि गुलामी के दौर में अंग्रेजों के अत्याचार का प्रतिकार करने और आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करने की मंशा से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद झांसी की रानी के बलिदान से प्रेरित होकर महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया। वहीं इस साल भी इस आयोजन में महिलाओं ने बहुत उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।